मालिनी टांग उठा रही। नहीं, हेमा मालिनी को क्या पता, वो खेत में कभी काम की हैं, वो किसान घर की बेटी हैं। नहीं, उनको क्या पता कि गेहूं कैसे काटा जाता है, किस मौसम में गेहूं होता है, किस मौसम में धान होता है, आलू कैसे उगाई जाती है। हम लोग से पूछो ना, हेमा मालिनी को क्या पता है। ये फिल्म नहीं है, ये किसान है। किसान दाम में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। चाहे तीर चले, तलवार चले, सीने पे कोई वार चले, अंधदेश को हम दूर भगाएंगे। जुमला जुमला हाय हाय, जुमला जुमला हाय हाय। तारु ऐसा नजारा कि देखिए, भगवान की कृपा, कहते जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। किसान भाई के साथ आज भगवान है, प्रभु है, वाहेगुरु है, सब उनका साथ दे रहे हैं। ऐसा नजारा, ऐसा लंगर मैं तो अपने जीवन में 45 साल की हो गई, मैंने कभी नहीं देखा। अगर कोई व्यवस्था करना चाहे तो ऐसी व्यवस्था नहीं है भाई साहब, कहीं कॉफी कहीं चाय कभी। ऐसा लग रहा है, देखो हम भी उत्तर प्रदेश अयोध्या से है, हमने किसान के बच्चे, हम भी किसान के बच्चे हैं। लेकिन सच में आंखों में आंसू है खुशी के, वाह भाई किसान भाई वाह। कहते हैं अगर किसान नहीं तो देश नहीं। अगर किसान इतना मेहनत करता है, इतनी तड़ी धूप में खेत में जाके काम करता है, एसी में नहीं बैठता है, रंडी रडुआ का जाने किसान, और उसका दर्द ये किया जाने किसान क्या होता। लेकिन अगर किसान अगर मैदान, कहते मैदान में अगर हम डट जाए, आप लोग बोलो मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। चाहे तीर चले, तलवार चले, सीने पे कोई वार चले, अंधदेश को हम दूर भगाएंगे। जुमला जुमला हाय हाय, जुमला जुमला हाय हाय, जुमला जुमला हाय हाय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ की व्यवस्था को लेकर के वो लोग तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, तमाम तरह की। तो तुम का ऐसी तैसी करा रहे हो, IBO गृह मंत्रालय खोज करो कहाँ से आ रहा है, किसके खाते में आ रहा है। ऐसा है, अरे सुनो, एक किसान है, ये दाना भी इनका है, अन्न भी इनका है, सब्जी भी इनके है, उपज भी इनकी है। हम वो लोग इनसे खरीदते हैं, इन्हीं का माल लूट के ले जाते हैं, इनका भंडार कैसे खाली रह जा सकता है। जिसके साथ धरती माता है, जिसके साथ धरती माता है, भगवान है, वाही गुरु है, उनका भंडारा कभी खाली नहीं होगा। राम की चिड़िया राम को खेत खाओ, चिड़िया भर भर पे तुलसी पंचिन के पिए, घटे न सरिता नीर, और धर्म करे धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। और मोदी का जाने जा चीज में जो तो बिल बना वो जानते हैं फर्जी, पूरी सरकार जो ईमानदारी से काम करे वो सरकार। हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद भी हैं, कह रही थी कि इनको किसानों को समझ ये कुआ में चार कबूतर। अरे हेमा हेमा मालिनी टांग उठा रही। नहीं, हेमा मालिनी को क्या पता, वो खेत में कभी काम की हैं, वो किसान घर की बेटी हैं। नहीं, उनको क्या पता कि गेहूं कैसे काटा जाता है, किस मौसम में गेहूं होता है, किस मौसम में धान होता है, आलू कैसे उगाई जाती है। हम लोग से पूछो ना, हेमा मालिनी को क्या पता है। ये फिल्म नहीं है, ये किसान है। किसान जो लिख कर देते हैं गेहूं काटने के लिए आई तो थी चुनाव। सुनो, अरे वो चुनाव में दिखाने के लिए है, वो सब दिखावा है। सुनो, वो किसान है ना जो पहले खेत जोतते हैं, फिर हेंगाते हैं, फिर बीज डालते हैं, उसके बाद अंकुरित होता है, फिर उसको निराते हैं, निराने के बाद बड़ा होता है, उसके बाद में फल लगता है, फिर काटते हैं, फिर पीटते हैं, फिर मंडी में जाता है। ये वो किसान है जो अन्न को उगाते, अन्नदाता है। कौन है ये? सही, अन्नदाता। और अन्नदाता को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि अन्नपूर्णा इनके साथ है। अरे ऐसा नजारा, ट्रक ट्रक आलू, ट्रक ट्रक गेहूं, ट्रक ट्रक चावल, कहीं कॉफी कहीं पकौड़ी। अरे वाह क्या नजारा है, ठंड तो लगी नहीं रही है। ठंड तो ये भगवान की कृपा है। कह रहे खालिस्तान है, कह रहे खालिस्तानी थोड़ा बोलो बोलो दो मिनट। मैं नागपुर महाराष्ट्र से, खेत में जो किसान बीज डाल, नागपुर महाराष्ट्र से,
तो ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के कुछ यूपी के थोड़े से किसान विरोध कर रहे हैं, पूरे देश के भी किसान विरोध कर रहे हैं। मैं उसकी के लिए महाराष्ट्र से नागपुर से यहाँ पर आई हूँ इन लोगों का सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये देश जो हमारे को अनाज मिल रहा है देश से, ये किसानों की बदौलत मिल रहा है। मैं एक आम परिवार से हूँ, कोई किसान परिवार से नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों का दुख दर्द सब हमेशा जानती हूँ। रोटी खाते हैं, अगर आज नौकरी भी करते हैं तो वहाँ से सिर्फ नोट मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा। अगर अनाज ही नहीं होगा तो इंसान खाएगा क्या? गोबर खाते जब खाएगा नहीं तो नौकरी भी नहीं कर सकता। ये मोदी जी नहीं जानते क्योंकि उनका परिवार नहीं है, उन्होंने खुद ही अपनी बीवी को छोड़ दिया तो उनको परिवार का क्या दुख और बात है? वो तो कहते हैं मेरा देश ही मेरा परिवार है, वो तो बोलते हैं फकीर है पर लाखों का कपड़ा पहन के घूमते हैं, रोड पे घूम रहा है यही तो परिवार, लाखों का कपड़ा पहन के घूमते हैं, बोलते हैं मैं फकीर हूँ झोला उठा के चल दूंगा, लेकिन वो लाखों का कपड़ा पहन रहे हैं, ब्यूटी पार्लर वाली से अपना मेकअप करवा रहे हैं, हाँ लड़कियां लगी हैं उनके आगे पीछे, वो बहनें समझते तो ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को भी देखा है, वो कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जाते थे, वो सही हरित क्रांति चलाए थे उन्होंने। अब तो नए लुक में आए हैं मोदी जी, फोटो एक वायरल हो रहा है ब्लैक गुंडा गुंडा उनका क्या है? मोदी और अमित शाह तड़ी पार है, मोदी जी तो कोई काम के है ही नहीं, वो सिर्फ अपना जुमले दे देंगे लोगों को, बोलते कभी 15 लाख दे देंगे, कभी 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, वो सिर्फ जुमले देना जानते और कुछ भी नहीं जानते। मजबूत प्रधानमंत्री के हाथों में देश है, भाजपा के लोग वो मजबूत नहीं है, वो अंबानी के गुलाम है, चौकीदार अंबानी और अडवाणी के गुलाम है, उन्हीं की नहीं है। निजीकरण की आप बात कर रही हैं, कह रहे हैं कि निजीकरण से जो है बढ़ावा मिलेगा तो सरकार का भी निजीकरण कर दो। अरे तो मिल तो गई, रोजगार तो मिल गया ना भाई, सारे किसान आके बॉर्डर पे बैठ गए, निजीकरण हो गया तो रेल मंत्री का क्या काम, शिक्षा निजीकरण हो गई, शिक्षा का क्या काम? मैं तो यही कहूंगी माननीय मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से ही संदेश दूंगी कि माननीय मंत्री जी ये आपके बच्चे हैं, किसान आपका बच्चा है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, बिना किसान के हमारा देश नहीं चल सकता। आपसे अनुरोध है कि आप जो है काला कानून को वापस लीजिए और इनका न्याय दीजिए, इनके साथ न्याय कीजिए, ये आपसे मेरी विनती है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसान को आंसू मत दीजिए, अगर किसान के आंसू आ गए तो बाढ़ आ जाएगी, प्रलय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, देश तबाह हो जाएगा। और इनसे पूछो कि आपके बच्चे क्यों नहीं बचे, राहुल गांधी जिम्मेदार, पत्नी क्यों छोड़ी, बोले कांग्रेस क्यों भ्रमित करेगा, कांग्रेस ने हमेशा देखो कांग्रेस ने हमेशा कर माफ किया, आज कांग्रेस पीछे क्यों पड़े, जो तुमको करना हो करो ना, उसमें कांग्रेस क्यों बैठ रहे हो? मोदी जी को ये बताइए कि 70 साल में कांग्रेस ने आगे लाया था देश को, उन्होंने 7 साल में उतने नीचे गिरा दिया, बस इतना ही हुआ उनका जो आगे बढ़ रहा था देश, आज हमारा देश विकसित में था, आज गरीब देश में शामिल हो गया। वो कहते हैं जो 70 सालों में काम ना हुआ वो हमने किया हमारी। अंधभक्तों सुनो, एक ही संदेश है अंधभक्तों के लिए, देश की जीडीपी जब 7 से ऊपर थी तब ये कहते थे देश का रुपया अगर गिरता है तो वहां का प्रधानमंत्री कमजोर है, अब 20 दशमलव कुछ माइनस पीछे हो गई जीडीपी, इनके ये आंकड़े क्या क्या बताते हैं, तो अब कितना कमजोर प्रधानमंत्री है, तुम कह रहे बहुत मजबूत प्रधानमंत्री, ये तो ढोल बजाने वाला प्रधानमंत्री, इन्होंने तरक्की की है बहुत, की नोटबंदी की, 2000 जीएसटी लागू कर दी, किसानों को घर छोड़ छोड़ कर परिवार समेत आके इनके धरना पे बैठना पड़ रहा है, अपने अपना ही चीज के लिए मांग करनी पड़ रही है, क्या नहीं किया, मतलब इन्होंने कॉलेज खुला दिए, इन्होंने हाईवे बनवा दिए, सारा काम तो इन्होंने किया है, इन्होंने किया है सारा काम, और ये काम ये भी कर दिया, जनता भूखी मर रही है, जनता को बेच देंगे, अब इनके पास क्या खेत वो सब ले लेंगे, सारा कब्जा करके जनता को भगा देंगे, जाओ तुम तड़ी पार। बैलेट पेपर।